गंडोला का एंट्रेंस है और वो देखो सामने ऊपर से गंडोला जा रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा वहां से। सो गाइस फवाद ऐसे में फिल्म ऐसे बहुत दूर है, बहुत दूर है, दूर है ना, सच बताओ। सो गाइस फवाद, अरे शिशु यहां पे ऊपर वहां पे बर्फ पड़ी है, कल ही बर्फ पड़ी है, एकदम प्रॉपर रोड्स बनी हुई है, एकदम परफेक्ट फुल सेफ्टी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज यसदान, वी आर बैक अगेन विद अनदर न्यू वीडियो एंड ये है गुलमर्ग का दूसरा व्लॉग। गुलमर्ग का अगर आपने पहला व्लॉग देखा होगा तो बहुत ज़बरदस्त था। अभी भी हम कहाँ हैं? बोटा पत्री पे हैं और अभी नीचे जा रहे हैं गुलमर्ग, वहाँ से हम जाएंगे गंडोला ट्राई नहीं करेंगे, इंशाल्लाह जाएंगे। अगर खुला हुआ तो फिर खुला ही होगा, हम भगा के जा रहे हैं। अभी भी हम बोटा पत्री में ही राइड कर रहे हैं, हीटर लगा लिया है क्योंकि ठंडी कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहुत ज़बरदस्त व्यू है यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ जब यहाँ पे बर्फ पड़ेगी, बर्फ पड़ती है तब ये बंद होता होगा ना यहाँ पे। खुला होता है। आते हैं फिर भी ओनली 4x4 कार्स। ओके, सो यहाँ पे बकरवाल भी बहुत सारे आपको मिलेंगे और इनके घर भी यहीं पे होते हैं, आप सोचिए यहीं पे रहते हैं ये लोग। अरे उसकी टुई पे लगेगी गड्डी, ओ भाई टुई साइड कर उसकी, देखो ये क्यों हंस रहा है। सच में स्विट्जरलैंड है ये, उससे भी बेहतरीन है यार, नजारे देखो यहाँ पे, लग रहा है आप हिंदुस्तान में हो। उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, फवाद भाई का फ्रेंड था लाला, तो उनकी वजह से हम ऊपर चले गए, अल्लाह ताला ने किस्मत में रखा था। और जहाँ तक हम गए थे ना वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर था और वहाँ से पाकिस्तान नज़र आता है, तो हम इतना पास में गए थे तो माशाल्लाह तबारक अल्लाह। और ये पूरा ट्री का ऊपर बेस भी आई थिंक, मुझे इतना आइडिया नहीं है, आई डोंट नो होगा भी, बट फुल ऑन सेफ है। कश्मीर आप आओ, गुलमर्ग आओ, पहलगाम आओ, फिर उसके बाद आप पहलगाम में आरू वैली और बेताब वैली, वो दोनों वैलीज विज़िट करो, फिर उसके बाद श्रीनगर में पूरा श्रीनगर आप अच्छे से घूमो, कोई आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ नहीं कोई करेगा, यहाँ पर टूरिज़म एकदम पीक पे है। बारामुल्ला जाओ, फिर उसके बाद दारुल रहीम जाओ अगर आप को देखने का शौक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप विज़िट कर सकते हो। कश्मीर इज़ द पैराडाइज ऑन अर्थ। गाइस पीछे से लाला और हमीम भाई ये हमें देखे गए हैं, बादाम और ये पता नहीं क्या है, बहुत टेस्टी है यार ये, माशाल्लाह। अभी हम जा रहे हैं गंडोला राइड, देखिए सामने गंडोला कुछ दिख नहीं रहा है इधर, पर फिर भी हम गंडोला राइड करने जा रहे हैं। पता नहीं फवाद भाई हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हो भाई, आज कराओगे ना गंडोला राइड? इतनी दूर आए हम, ट्राई करेंगे, इतनी दूर आए हम आपके भरोसे। राइट में लाऊं लेफ्ट? नहीं नहीं, ऑन लेफ्ट पूरा खींच लेगा, वरुण कैंस्पोस करोगा? अमीम भाई फुल ऑन हिप हॉप बने हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो लाला आ गए, इंशाल्लाह। गंडोला का एंट्रेंस है और वो देखो सामने ऊपर से गंडोला जा रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा वहाँ से सामने से गंडोला, ऊपर से ये जा रहा है गंडोला। 4:30 बजे बंद हो जाता है और 4:30 बजे से पहले टिकट बुक करनी होती है और हम लेट हो गए, माशाल्लाह। ये एंट्रेंस है, ये है गंडोला, यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, पर ये अभी बंद हो चुका है। नहीं दूर आए हम बट गंडोला नहीं कर पाई, ये देखो यहाँ से कल इंशाल्लाह गंडोला, क्योंकि अगर श्रीनगर में गंडोला नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा, मतलब कश्मीर में है ना, व्हाट डू यू गाइस थिंक? सो गाइस अभी गंडोला राइड कल करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि कल दोबारा आना पड़ेगा यहाँ पर, ज़्यादा दूर नहीं है श्रीनगर यहाँ से, 40 किलोमीटर्स है। गाड़ी है अपने पास, अल्लाह ताला की मेहरबानी है हम पे कि हमारे पास गाड़ी है तो हम आ सकते हैं। देखते हैं अभी हम पहले मस्जिद जाके नमाज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें करेंगे। 4 बजे लास्ट टिकट मिलती है, वो होटल है कोई, आई लव गुलमर्ग, सामने होटल है। चलो गाइस यहाँ से अभी चलते हैं, चलो यहाँ पे हम कहाँ जाएं? ड्रंक पहले बोल रहे ना, मस्जिद, मस्जिद ड्रंक वाटरफॉल। चलो भाई ये बंदा येड़ा है,
बीच में डायरेक्ट ब्रेक मार दिया। ये वाला होटल कौन सा है? हिल टॉप। हाँ। जो आप बोल रहे हो खैबर का, उसका पर डे का स्टे कितना होगा? पर डे 30-40,000। ओके ओके। नॉर्मल रूम। नॉर्मल रूम यहाँ पे इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है? क्योंकि यहाँ पे मेंटेन करना मुश्किल होता होगा ना, इसलिए। व्यू के पैसे हैं भाई इधर, जो भी है गुलमर्ग दिखाने के पैसे हैं बस, और कुछ नहीं। वाटरफॉल देखने जा रहे हैं और नीचे से नजारा देखो आप। गोल्फ कोर्स है। कौन सा? लार्जेस्ट। ये सारा गोल्फ कोर्स है, एशियाज लार्जेस्ट गोल्फ कोर्स। हम यहाँ पे right. अच्छा ओके, ये वो वाला है, यहाँ पे कैफे है। सो अभी हम लाला के कैफे में जा रहे हैं। right. वो रहा लाला का कैफे, वही है ना, द गुलमर्ग कैफेटेरिया। गाइस अगर आपको आना है तो बिंदास लाला के कैफे में आओ। ये है द गुलमर्ग कैफेटेरिया और ये है हमारे लाला, इनका कैफेटेरिया। ये यहाँ से फर्स्ट आते हैं, जैसे ही एंट्रेंस होती है पहला कैफे इसी का। और पहला कैफे हमारे भाई का है, गुलमर्ग कैफेटेरिया। हाँ, यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हो। तो गाइज अभी हम बैठे हैं लाला के कैफे में, द गुलमर्ग कैफेटेरिया, जो आपको गुलमर्ग से जैसे आप एंट्री लेते हो लेफ्ट साइड में नीचे गुलमर्ग कैफेटेरिया मिल जाएगा। और यहाँ पे हम खाएंगे अभी खाना। सो गाइज ये फवाद, अभी हम जो इसे पहला वाला काट दूंगा। सो गाइज फवाद इसमें फिर अरे बहुत दूर है, बहुत दूर है, दूर है ना, सच बताओ। सो गाइज फवाद, अरे शुशुशु फवाद भाई हमें अभी बताएंगे, थोड़ी सी नसीहत देंगे, एडवाइस देंगे जो लोग गुलमर्ग आते हैं उनके लिए। बोलिए। देखो विंटर्स में तो गुलमर्ग बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको अच्छी नींद करनी है, अच्छा स्टे चाहिए, एटलीस्ट 5,000 का रूम तो होगा ही होगा। और वो रूम कैसा होगा 5,000 का? बेसिक। बेसिक मतलब क्या होता है? बेसिक मतलब आपको बेड अच्छा भी होगा, डिसेंट। उसमें हीटर वीटर नहीं होगा? बुखारी होगी जो लकड़ी से जलाते हैं। ओके, लकड़ी खुद जलानी है अपने को? वो खुद ही जलाते हैं। अब अगर आपको और अच्छा चाहिए, सेंट्रल हीटर चाहिए, वो फिर 10,000-12,000 है ना, और फिर उससे ज्यादा 1,000। सबसे 5-स्टार वो खैबर है। तो यहाँ पे कितने 5-स्टार होटल्स है गुलमर्ग में? एक ही खैबर। और उसके रूम कितने से, बेसिक रूम कहाँ से कितने का स्टार्ट होता है? आई थिंक 50,000 बेसिक रूम है उसका। 50,000 पर डे? हाँ, उसका प्रीमियम स्वीट जाएगा। अभी नहीं है पीक, जब विंटर पीक पे होगा ना उस टाइम। और अगर प्रीमियम स्वीट उसका लोगे तो 2,00,000 तक तो जाता है। ओके, इतना ज़्यादा वहाँ पे है? हाँ, महंगा है वो ही तो है, वो रूम्स भी तो वैसे ही है ना। सही बात है। क्वालिटी ऑफ स्टे बहुत अच्छा है ना, मतलब वही लगता है कि लग्जरी है। हाँ, एग्जैक्टली। यहाँ से हम जा रहे हैं अभी, एंड ठंडी बढ़ गई है भाई, सीन देखो यहाँ पे बहुत ठंड होगी है ना, बहुत ज़्यादा। सो गाइस गुलमर्ग से निकल रहे हैं अभी टनमर्ग की तरफ जा रहे हैं, गुलमर्ग से निकल के। और वहाँ पे कहाँ जाना? द्रंग जाना है भाई। नज़ारे देखो यार, ये गुलमर्ग की एंट्री है, एंट्री होते ही लाला का कैफेटेरिया होगा, ज़रूर जाइएगा अगर कभी भी आप जाओगे वहाँ पर। गुलमर्ग कैफेटेरिया उसका नाम है, द गुलमर्ग कैफेटेरिया। गाइस गंडोला राइड हमने कैंसिल कर दिया है आज का, कल शायद से जाएंगे, नॉट श्योर, बट अगर जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पता चल जाएगा। बट देखते हैं अभी, क्योंकि फिर नहीं तो दोबारा यहाँ पे आना पड़ेगा। और बारिश वगैरह ज़्यादा हो रही है और कल मुझे शॉपिंग के लिए भी जाना है। रोड देखो कितनी छोटी सी है, बट यहाँ पे ड्राइव करने का अलग ही मज़ा है। सो गाइज यहाँ पे अभी हमने थोड़ा सा स्टॉप लिया है, ये व्यू पॉइंट है श्रीनगर गुलमर्ग से पहले, इसका नाम है फॉरेस्ट पॉइंट जेडमोड गुलमर्ग। और यहाँ पे ऊपर वहाँ पे बर्फ़ पड़ी है, कल ही बर्फ़ पड़ी है। और यहाँ पे व्यू बहुत ज़बरदस्त है, माशाल्लाह तबारकल्ला। गुलमर्ग से नीचे उतर चुके हैं, अभी तनमर्ग आएगा 3 किलोमीटर पे, और फिर वहाँ से देखते हैं आगे क्या करना है। रास्ता बहुत खूबसूरत है, मतलब आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई कोई सीन है रास्ते में। एकदम प्रॉपर रोड्स बनी हुई है, एकदम परफेक्ट, फुल सेफ्टी के साथ, और साइड में इंडिकेटर्स भी दिए हुए हैं, तो रात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आराम से ड्राइव करके जा सकते हो आप। बस थोड़ा सा जब एकदम ऊपर जाते हो तो थोड़ा सा आपको संभाल के जाना है,
बाकी तो एकदम मतलब ऐसा, मतलब मैंने पहाड़ और ऐसी ग्रीनरी और ऐसी रोड्स, वो भी पहाड़ पे नहीं देखी भाई कभी। इतना ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है माशाल्लाह। दैट्स द रीज़न कश्मीर इज़ द पैराडाइज ऑन अर्थ। फाइनली मस्जिद आ गई है, तनमर्की मस्जिद है ये, और यहाँ पे हम नमाज पढ़ेंगे अभी। तो ये मस्जिद है, यहाँ पे अभी हम नमाज अदा करेंगे। नमाज पढ़ के मिलते हैं आपसे। A few minutes later. चलो गाइस नमाज हो गई है, अभी यहाँ से निकल रहे हैं। चलो जी भाई को पानी दो और चलो लेट्स गो। बिस्मिल्लाह करते हैं अभी, यहाँ से अभी जाएंगे ड्रंक। रोड भी ज़बरदस्त है यहाँ की, देखते हैं अभी कैसी रोड है। शैतान तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता और बेहयाई के काम करने को कहता है, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है, और अल्लाह कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। वो जिसको चाहता है दानाई बख्शता है, और जिसको दानाई मिली बेशक उसको बड़ी नेमत मिली, और नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अक्लमंद हैं। और तुम अल्लाह की राह में जिस तरह का खर्च करो या कोई नजर मानो, अल्लाह उसको जानता है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। बहुत खतरनाक है, जबरदस्त रास्ता है, और नीचे पुल, अलग लेवल माहौल बना हुआ है। पर यहाँ पे नज़ारे बहुत ज़बरदस्त होंगे, आई रियली विश। गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं, और भाई कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? ये द्रंग वाटरफॉल है, पर वो सूख चुका है। हाँ सूख गया है, गर्मी थी ना बहुत। द्रंग वाटरफॉल सूख चुका है, ये देखने हैं सूखा हुआ वाटरफॉल। माशाल्लाह वो देखो दिख रहा है, ये वाटरफॉल देखने आए हम, और हमारे लाला आने वाले। देखो लाला आ गए भाई, लाइटें देखो जीप की, लश्कारे मारते हुए आ रहे लाला। ये है वाटरफॉल, द्रंग वाटरफॉल। और ये हमारे को भाई मिला है, आपका नाम? आबिद। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप यहीं पे रहते हो? क्या बात है, क्या बात है। द्रंग तो सूखा हुआ है, भाई ऊपर गायब इन तक होता है सारा। क्या होता है अगर ये छोड़ेंगे ना ऊपर पानी, फिर आता है अगर नहीं। अच्छा वो पानी छोड़ते हैं तो डैम है जो। ओके ओके, क्या जबरदस्त नजारा है। देखो गाइस हमारे लाला वसीम लाला, चार बजे बंद करते हैं, तो चार बजे से पहले आना चाहिए तब ये देख सकते हैं। तो ये पूरा पानी होता है। अच्छा तो चार, हम गंडोला राइड पे भी लेट हो गए और इधर भी लेट हो गए। वी आर लेट ऑलवेज एवरीवेयर। ये देखो अच्छा एक बात बताओ, ये जो पानी है यहाँ पे जो दिख रहा है, ये तो ये इसका लेवल इतना ही रहता है या और भी बढ़ता है? कितना ज्यादा बढ़ता है वो? और भी बढ़ता है। कितना? उधर तक बढ़ता है। किधर तक? उस पत्थर तक बढ़ता है। अच्छा ये जो पत्थर है बस इतना ही, उतना ही? कभी इधर तक नहीं आया? कभी इधर तक नहीं आया? इधर तक नहीं आया? इसमें मछलियां हैं इसमें। हाँ। माशाल्लाह खाते हो आप? हाँ। लाला को भी खिलाओ कभी, लाला आपके पड़ोसी है। आप कहाँ से हो? द्रंग। आप कहाँ पे पढ़ते हो? कहाँ पे? अच्छा इधर स्कूल भी है। माशाल्लाह चलो बढ़िया। ये ऐसा होता है विंटर्स में, द्रंग फ्रोजन वाटरफॉल, ये यहीं पे, ये जगह ये है ना। आज पानी कम है इसलिए आज वाटरफॉल नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो बोल रहे हैं कि चार बजे बंद हो जाता है ऊपर से, वो बोल रहे हैं चार पानी छोड़ते हैं। गाइस यहाँ से अभी निकल रहे हैं हम वापस, बिकॉज अभी यहाँ पे रह के कोई मतलब नहीं है। कल इंशाल्लाह गंडोला राइड के लिए आएंगे मुशु के साथ, और खलील को भी लेके आएंगे, और हमारे बाकी सारे भाई भी रहेंगे इधर इंशाल्लाह, जितने भी अभी हैं यहाँ पे। One hour later. So guys, फवाद को हमने उसके घर पे छोड़ दिया है, और अभी यहाँ से हम जाएंगे पोलो व्यू मार्केट, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा डिनर करेंगे, थोड़ा सा ही करेंगे लाइट वेट भोजन, और फिर उसके बाद जाएंगे हमारे होटल और सो जाएंगे वहाँ पे जाके।
और सुबह उठेंगे इससे फवाद भाई को पिक करेंगे और उनके साथ अगर कोई और होएगा उनको पिक करेंगे और उनके साथ जाएंगे गुलमर्ग वापस गंडोला राइड करने इंशाल्लाह। तो चलिए कश्मीर की गलियों में गड्डी चला रहे हैं हम, थोड़ी सी ट्रैफिक है यहाँ पे। चल भाई चल, बहुत ज़्यादा तंग गली है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कश्मीर इज़ द सेफेस्ट प्लेस, ट्रस्ट मी। अगर आप ये भी कहोगे ना कि वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस इन इंडिया कश्मीर को, तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज सच में कश्मीर इज़ द सेफेस्ट प्लेस, बहुत ज़्यादा सेफ है। आप रात को दो दो तीन तीन बजे भी रात को घूमोगे ना, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। पहली बात तो ईमान वाले लोग हैं और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको सिर्फ जब भी आप एज अ टूरिस्ट आते हो, कभी आप गुलमर्ग जाते हो या टैक्सी के लिए अगर आप कहीं पे रहते हो, तो देखो उनका वो उनका काम है राइट, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस बोल देते हैं, आप उनसे नेगोशिएट करो सही से। ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने बोल दिया वो आपने दे दिया, फिर वो आपकी गलती है राइट, सीधी सी बात है। पोलो व्यू मार्केट आ चुके हैं। आई थिंक इसका जो पार्किंग रहेगा वो रहेगा इस साइड में, ये पूरा पोलो व्यू मार्केट है राइट साइड में, तो खुला तो रहना चाहिए। देखते हैं इसका पार्किंग कहाँ पे है, आई थिंक यहीं पे लगाना पड़ेगा गाड़ी हमें। ये तो इधर ही दबा देता हूँ, इधर पीछे थी जगह, गाड़ी यहाँ पे लगा दी हमने और अभी एंट्री कर रहे हैं पोलो व्यू मार्केट में। भाई ये टर्किश, जो टर्किश वाला मैंने देखा है ना, टर्की की जो रोड्स हैं वैसी मार्केट है। देखो क्या ज़बरदस्त मार्केट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से इंसान ले सकता है पोलो व्यू मार्केट से। गैस आधी से ज़्यादा दुकानें तो बंद हो चुकी हैं यहाँ पे, और आई डोंट थिंक सो कि हमारे मुताबिक कुछ मिलने वाला है जो हम ले सकें। सब कुछ बंद है ना, बंद हो गया है। गैस पोलो व्यू मार्केट से निकल चुके हैं, अभी होटल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से कुछ भी नहीं मिला हमें, तो इसीलिए हमने फिर सोचा कि यार छोड़ो जान दो, क्या ही लें वहाँ से, और कुछ अच्छा दिखा नहीं, और सब कुछ आई थिंक बंद था ज़्यादातर, तो इतना कुछ पसंद भी नहीं आया, और क्या ही करते हैं ना अरमन वहाँ पे, तो इसी वजह से। और अभी होटल जाके सबसे पहले तो नमाज पढ़नी है और फिर उसके साथ काम भी करना है यार। सो गाइस होटल पहुँच चुके हैं, अभी हम अपने होटल पे आ गए हैं। एक्चुअली नीचे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और गाड़ियाँ लगी होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे किसी की डेथ हुई है तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं जनाजा पढ़ने के लिए, तो हमारी गाड़ी हमने किसी के घर में लगाई है, क्योंकि बहुत पतली रोड है ये इस वजह से। दूसरा ये उमर भाई हैं जो बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये कौन सा होटल अरमन है? रॉयल सवाय, द रॉयल सवाय, माशाल्लाह। और ये हमारे सलमान जी, सलमान भाई हैं। तो आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे, कल सुबह हम चले जाएंगे। आपको कैसा लगा सर यहाँ? बहुत बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? थैंक यू सर, हमें भी बहुत अच्छा लगा। आपने हमारी वीडियोस देखी? देखी माशाल्लाह, तो चलो अच्छी बात है, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, स्वीट है, बहुत प्यारे हैं। अगर आपको और कुछ चीज चाहिए होगा तो आप कॉल कर देना ना। शुक्रिया okay, जी बिल्कुल शुक्रिया, मिलते हैं कल इंशाल्लाह सुबह, ठीक है जी, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू। बहुत अच्छे हैं यार कश्मीर के लोग, सच में बहुत अच्छे, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब जगह पे बहुत प्यार करते हैं।